वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भाई गौतम आज आ चुका हूँ गढ़पैरा, और आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गढ़पैरा को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करके दिखा पाऊँ। और आप वीडियो को बिना स्किप करें पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इस वीडियो में जो आपको अभी पता नहीं होंगी गढ़पैरा के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साढ़े 400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। भाइयों, ये जो आप गुंबज देख रहे हैं मुगल वास्तुकला के ऊपर बनाया गया। तो गढ़पैरा पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता नेशनल हाईवे 26, जिसकी डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, और दूसरा रास्ता जो कि सागर झांसी रोड है, जो कि जिसकी डिस्टेंस आपको पड़ेगी लगभग सेम ही है दोनों की डिस्टेंस। जो आप पीछे महल देख रहे हैं इसे शीस महल के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अंदर से कि कैसा है शीस महल। ये जो आप किले के अवशेष देख रहे हैं इसकी प्राचीनता राजा संग्राम सिंह के समय से मानी जाती है। तब गढ़पैरा एक गढ़ हुआ करता, यहाँ 360 मौजे हुआ। इन किलों का संबंध राजा जयसिंह से भी जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है राजा जयसिंह इसमें 200 साल पहले रहते थे। तो आइए अब गढ़पैरा के इतिहास के बारे में थोड़ी और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ गढ़पैरा के इतिहास के बारे में और भी बातें। तो गौतम जी बताइएगा गढ़पैरा के इतिहास के बारे में। तो गढ़पैरा को पुराना सागर भी कहा जाता है, और यहाँ सबसे पहले दांगी राज्य का शासन रहा, दांगी लोगों का शासन रहा। फिर उसके बाद कुछ समय बाद राजपूतों ने यहाँ शासन किया, और ऐसा माना जाता है कि 200 वर्ष पहले, इसके पहले हमने आपको जो वीडियो दिखाई होंगी उसमें जयसिंह राजा रहा करते थे। तो यहाँ पे एक और कहानी बहुत प्रचलित है, नट और नटनी की कहानी, जैसा कि आपने सुना ही होगा कई जगहों पर। तो उस कहानी को भी हम बताने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा जयसिंह हुआ करते थे वो कर्तव्यों के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को एक बार आदेश दिया कि बाहर से नट और नटनियों को बुलाया जाए और कुछ हैरत अंगेज कर्तव्य करके दिखाया जाए। तो हुआ यूं कि बाहर से जो नट और नटनी गढ़पैरा राज्य में आए उन्हें उनके लिए एक बहुत ही कठिन कर्तव्य करने को दिया गया। वो कर्तव्य ये था कि गढ़पैरा के पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक एक रस्सी बांधी गई, उस रस्सी पर नट और नटनी को चलना था।
लेकिन राजा जयसिंह ने एक शर्त रख दी कि अगर आपने ये कर्तव्य पूरा करके दिखाया तो आपके लिए गड़पेरा का आधा साम्राज्य प्रदान कर दिया जाएगा। तो आगे कहानी बताइएगा क्या हुआ कि आधा साम्राज्य देने की जो शर्त थी उससे रानी को लगा कि अगर नटनी ये कर्तव्यबाजी कर लेती है तो आधा राज्य चला जाएगा उनके हाथ से और शायद राजा भी नटनी से शादी न कर ले। इसलिए रानी ने क्या किया कि जब वो कर्तव्यबाजी कर रही थी नटनी, उस टाइम पे उन्होंने रस्सी कटवा दी और जो नटनी थी उसकी खाई में गिरने से मौत हो गई और उसी के साथ उसका जो पति हुआ करता था उसकी भी मृत्यु हो गई। और वो पॉइंट हम आपको दिखा देते, तो एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एक रस्सी बांधी गई थी और इस हाईवे के उस तरफ एक ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच रस्सी बांध के नटनी को चलने के लिए कहा गया था। तो ये थी गड़पैरा की लोकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि कैसा था वीडियो। थैंक यू।